ब्रोक्का फैमिली के लिए वो बहुत दुख की घड़ी होती है, क्योंकि इग्नाजियो की पत्नी मार्गारिटा का देहांत हुआ है और उसके तीन लड़के माँ के बिना अनाथ हुए हैं। मगर चारों की हरकतों से ऐसा लग नहीं रहा है कि उन्हें कोई दुख हुआ है। छोटा 8 साल का इंजिनो ऐसे मौके पे भी पूरे घर में फुटबॉल खेल रहा है। सबसे बड़ा एंटीनियो माँ के फ्यूनरल पे अच्छे कपड़े पहने में बिजी है, तो 14 साल के नीनो को विश्वास नहीं हो रहा है कि उसकी माँ मर चुकी है, मानो उसे किसी कैद से छुटकारा मिला हो। तो इन तीनों का बाप इग्नाजियो फ्यूनरल पे आई एक वीडियो कोरेलो पे डोरे डाल रहा है। वहाँ उसकी पत्नी की लाश पड़ी है और वो दूसरी शादी की सोच रहा है। ऐसे मौके पे भी वह भीड़ को छोड़ के अपने कपड़े की दुकान में जाके काम देख रहा है, मानो कुछ हुआ ही नहीं। तभी छोटा इंजिनो फुटबॉल को लात मारता है और उसकी वजह से कैंडल गिर के मार्गारिटा को रखे कॉफिन को आग लगती है। लोग कैसे बैसे आग को बुझा के मार्गारिटा को दफनाने सेमेट्री लेके जाते हैं। वहाँ भी नीनो कोरेलो के शरीर को देख रहा है। वहाँ माँ को दफनाया जा रहा है और ये ठरकी औरतों की फिगर देखने में बिजी है। सेमेट्री से घर वापस लौटते वक्त गाड़ी में कोरेलो नीनो के पास बैठती है। वहाँ भी नीनो अपने हाथों को उसके पैरों के अंदर डाल के आजमाता है और वह चालू कैरालो भी उस चीज को एंजॉय करती है। दरअसल पूरी ब्रोको फैमिली ही ठरकी है। यह सब घर आते हैं तो नई मेड यानी नौकरानी दरवाजा खोलती है। उसे देख के चारों शॉक होते हैं कि ये कहाँ से आ गई। वह मेड यानी एंजेला उन्हें कहती है कि उसे सर्वेंट सप्लाई करने वाली एजेंसी ने भेजा है, क्योंकि वैसी अर्जी इग्नाजियो ने दी थी। दरअसल इग्नाजियो को अपनी बीमार पत्नी की देखभाल करने के लिए एक मेड की जरूरत थी, मगर चूंकि अब उसकी पत्नी मर चुकी है तो उसे मेड की जरूरत नहीं। मगर एंजेला की खूबसूरती को देख के वह उसे काम पे रख लेता है। अब एंजेला घर के काम में लग जाती है। सुबह सबका नाश्ता बनाने से लेके सबको तैयार करना, घर की साफ सफाई करना और रात का खाना बनाना, यह सब काम वह बखूबी संभालने लगती है। जैसे मैंने बताया चारों ठरकी है, तो अब सब खूबसूरत एंजेला को बुरी नजर से देखने लगते हैं। सबसे पहला ट्राई मारता है 18 साल का एंटीनियो, मगर एंजेला उसे रिस्पॉन्स नहीं देती। इग्नाजियो एंजेला के काम पे बहुत खुश है। वह अपनी पत्नी को इस बात पे थैंक्स कहता है। वह उसके फोटो को देख के कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए मेड बुलाई थी, मगर अब वह हमारे काम आ रही है। वह अपनी पत्नी की कब्र पे जाके उसे कहता है कि तुम अब हमारी चिंता मत करो, हमें संभालने वाली आ गई है, यू रेस्ट इन पीस। यहाँ एक दिन नीनो को उसका स्कूल फ्रेंड स्टीफेनो उसे घर तक छोड़ने आता है। तब वह खूबसूरत एंजेला को देखता है और चौंक जाता है। नीनो उसे बताता है कि वह उसकी नई मेड है। अब स्टीफेनो नीनो को बताता है, तेरे खुद के घर में इतनी खूबसूरत लड़की है तो घर में ही तेरा काम हो जाएगा। स्टीफेनो की बातें सुनकर नीनो के दिमाग में एंजेला घुस जाती है। वैसे तो अब तक उसने उस पर बुरी नजर नहीं डाली थी, मगर अब वह एंजेला को उस नजर से देखने लगता है। वह उसे पटाने के लिए रोज उसके सूट में एक गुलाब का फूल रखने लगता है, जिससे एंजेला खुश होती है, मगर उसे पता नहीं रहता यह किसका काम है। एक दिन फुटबॉल खेलते हुए नीनो गिरता है और उसे जख्म होती है। एंजेला उसके कपड़े निकाल के उसकी जख्म पे पट्टी लगाती है। इस बात से नीनो का एंजेला पे दिल आ जाता है। नीनो का दोस्त स्टीफेनो उससे कहता है कि कब तक हाथ से काम चलाएगा, अब कुछ तो एक्शन लो। स्टीफेनो उसे कहता है कि अगर वह एंजेला को कन्विंस करेगा तो वह हमें अंड्रेस होके दर्शन देगी। नीनो तैयार नहीं होता तो स्टीफेनो उसे कहता है कि उसके बदले वह उसकी बड़ी बहन के दर्शन उसे कराएगा, वह भी अभी। अब स्टीफेनो नीनो को चुपके से उसे अपनी सिस्टर के बेडरूम में लेके जाता है, जहाँ उसकी सिस्टर लुसियाना बेड पे बेतुके कपड़े पहन के सोई होती है। नीनो उसे आंखें फाड़ के देखता है। उस रात नीनो एंजेला को नाइटी में देखता है और गर्म सांसें भरने लगता है। उसके जाने के बाद वह हाथ से काम चलाता है। दूसरे दिन नीनो स्टीफेनो के घर जाता है तो लुसियाना उसके साथ डांस करती है, जिससे वह हॉट फील करता है। वह घर में आके एंजेला को बोलता है कि उसे टेम्परेचर आया है। दरअसल वह एंजेला से नजदीकियां बढ़ाना चाहता है, मगर एंजेला उसके पेत्रे जान जाती है। वह जान जाती है कि वह झूठ बोल रहा है। अब यहाँ ठरकी बाप भी एंजेला पे नजरें गाड़े हुए है। वह एंजेला को काम करते हुए चुपके से उसके शरीर को नापने लगता है और आंखों को ठंडक पहुंचाता है। तो दूसरी और ठरकी एंटीनियो एक्सरसाइज करने के बहाने एंजेला पे डोरे डाल रहा है। अब यह दो ठरकी देख रहे हैं तो नीनो कैसे पीछे रह सकता है। वह भी दरवाजे में से झांक के एंजेला पे नजर गाड़े हुए है। यहाँ हर रात को इग्नाजियो अपनी पत्नी की फोटो से बातें करता रहता है। वह उसे बताता है कि अब एंजेला उसके दिमाग में घुसती जा रही है। एक खूबसूरत लड़की आसपास घूमती हो तो कैसे भला कोई खुद पे काबू रखे। यहाँ नीनो एंजेला की गैर मौजूदगी में उसके कमरे में जाके उसके अंडरगारमेंट्स को सूंघ के अपने दिल को ठंडक पहुंचाता है। दूसरी और कैरेलो इग्नाजियो पे डोरे डाल रही है।
वह चाहती है कि वह भी वीड़ो है और इग्नाजियो भी वीड़ो है। अगर दोनों शादी करे तो खूब गुजरेगी। वह उसे अपने घर शाम को खाने पीने के लिए बुलाती है, मगर इग्नाजियो जानता है कि कैरेलो तो दुनिया को चखती है, उससे क्या शादी करना। वह उसे टालता है। एक बार एंटोनियो एंजेला के सामने जख्मी होने का नाटक करता है ताकि वह उसके पास आ सके और एंजेला के दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो, मगर अध खुले दरवाजे से एंटोनियो का यह नाटक नीनो देखता है। वह अपने ठरकी भाई को अच्छी तरह जानता है। अब हाथ जख्मी होने की वजह से एंजेला एंटोनियो को अपने हाथों से खाना खिलाती है। यहाँ एक दिन एंजेला नीनो को उसके सूट में गुलाब रखते हुए देखती है। वह जान जाती है कि नीनो का उस पे दिल आया है। तो दूसरी ओर एंटोनियो एक दिन एंजेला को किचन में दबोचता है। वह उससे छूटने की कोशिश करती है, तभी उसकी आवाज सुनके नीनो वहां आता है। अब एंटोनियो और नीनो में हाथापाई होती है। एंटोनियो नीनो को कहता है कि आज रात वह एंजेला के रूम में जाके उसके साथ मजे करेगा। रात को एंजेला नीनो के पास आके उसे थैंक्स कहती है, मगर नीनो को नींद नहीं आती। उसे पता होता है कि एंटोनियो जरूर रात को एंजेला को दबोचेगा। यहाँ रात को एंटोनियो तैयार होके एंजेला को दबोचने के लिए उसके कमरे की ओर निकल पड़ता है, मगर नीनो उस पे वॉच रखे हुए है। एंटोनियो एंजेला के रूम की ओर बढ़ता ही है कि वह देखता है कि उसका बाप भी तैयार होके एंजेला के कमरे की ओर जा रहा है। नीनो और एंटोनियो यह देख के शॉक होते हैं कि उनका बाप उनसे बड़ा ठरकी है। अब एंजेला को अपने बाप के चंगुल से बचाने के लिए नीनो घर के नीचे बसे उनके कपड़े की दुकान की कांच पे ग्लास मार के उसे फोड़ता है। दुकान में एंटी थेफ्ट अलार्म होने की वजह से कांच फूटते ही जोरों से अलार्म बजने लगता है। बाप को लगता है कि स्टोर में चोर घुसा है। वह सब छोड़ के नीचे स्टोर में आता है। पुलिस आती है और पता चलता है कि कोई चोरबीर नहीं घुसा। इग्नाजियो को लगता है कि उसकी मरहूम पत्नी का भूत आके उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। वह उसकी फोटो को गाली देता है। यहाँ कैरेलो के घर इग्नाजियो की अपॉइंटमेंट रहती है, मगर वह जाना नहीं चाहता, तो वह नीनो को कपड़ा लेके उसके पास भेजता है। बेचारा नीनो कपड़ों की गठड़ी लेके कैरेलो के घर पहुंचता है। कैरेलो को भी गर्मी चढ़ी होती है। वह नीनो के साथ फ्लर्ट करने लगती है। एक पल के लिए नीनो भी यही सोचता है कि चलो कैरेलो ही सही, तो वह वहां पड़ी वाइन की बॉटल गटक के कैरेलो के साथ इंटीमेट होने के सपने देखने लगता है। मगर तभी वहां पे उसका दोस्त स्टीफेनो आता है। नीनो के डैडी ने उसे भेजा होता है। उसे देख के नीनो समझ जाता है उसकी ये भी तमन्ना पूरी नहीं होने वाली। शाम को इग्नाजियो एंजेला को शादी के लिए प्रपोज करता है। एंजेला भी दिल से यही चाहती है कि कब तक वह लोगों के घर काम करती रहेगी, कोई पैसे वाला मिल जाए तो उससे शादी करके वह सेटल हो जाएगी। वह उसे कहती है कि अगर इग्नाजियो की फैमिली हाँ करेगी तो वह उससे शादी करेगी। उनकी यह बातें दूसरी रूम में बैठा नीनो सुनता है। उसका दिल टूटता है। जिसे वह पटा रहा था उससे उसका बाप शादी करने जा रहा था। दूसरे दिन सब इग्नाजियो की माँ के यहाँ जाते हैं। इग्नाजियो की माँ नहीं चाहती कि उसका लड़का एक मेड से शादी करे। ऊपर से वहाँ रात को नीनो इंजिनो का ब्रेन वॉश करता है। वह उससे कहता है, तुम्हारे सपने में माँ आती है, तुम रात को मम्मी मम्मी करके बड़बड़ाते रहते हो, तुम अपनी मम्मी को भूल गए हो, जिससे वह नाराज है। उसकी बातें सुनकर इंजिनो मम्मी मम्मी करके जोर से रोने लगता है। उसकी आवाज सुन के सब वहाँ आ पहुंचते हैं। नीनो उनको बताता है इंजी को सपने में माँ दिखी। एंजेला उसके पास जाती है, मगर इंजी उसे कहता है उसे मम्मी चाहिए, एंजेला नहीं। वह एंजेला को एज ए माँ स्वीकार करने को तैयार नहीं। यह देख के इग्नाजियो की माँ उसकी शादी के लिए साफ मना कर देती है। यहाँ एंजेला के भी इग्नाजियो के साथ शादी करने के सपने टूट जाते हैं। वह उनके घर से निकलने का फैसला करती है। नीनो उसे रोकना चाहता है, मगर एंजेला को पता होता है कि यह सब नीनो की ही करतूत है। नीनो नहीं चाहता कि एंजेला उससे दूर निकल जाए। वह उसे कैसे वैसे रोकता है। रात को सब टीवी देख रहे होते हैं, तब नीनो एंजेला के साथ ठरकी हरकतें करने लगता है, मगर तब वह उसे रोकती नहीं। मगर दूसरे दिन वह नीनो को इस बात पे झाड़ती है। वह उससे पूछती है कि वह आखिर उससे चाहता क्या है। नीनो उसे बताता है कि वह उसे बिना अंडरगारमेंट्स पहने देखना चाहता है। एंजेला उसे हर्ट नहीं करना चाहती, वरना इग्नाजियो से शादी करने का उसका प्लान खत्म हो जाता। वह नीनो को खुश करने की छोटी कोशिशें करती है। वह कभी बुक निकालने के लिए ऊपर चढ़ के नीचे खड़े नीनो को पीप शो दिखाती है, तो कभी खाना बनाते वक्त उससे चिपका चिपकी करती है। मगर इन छोटी खुशियों से नीनो का दिल भरने वाला नहीं था। एंजेला उसे कहती है इससे ज्यादा वह कुछ कर नहीं सकती। वह उसकी बातों पे खुश नहीं होता। वह उसे अंड्रेस देखना चाहता है, मगर एंजेला नहीं मानती, जिससे गुस्सा होकर रात को नीनो अपने बेड पे जोर से मम्मी मम्मी करके चिल्लाता है। इग्नाजियो उसके पास आता है। नीनो उससे कहता है कि अब उसके सपने में मम्मी आई थी। अब इग्नाजियो चर्च के पादरी के पास जाता है और उसे कहता है कि उसके बच्चों के सर पे उसकी मरहूम पत्नी का साया है, वो उसके दिमाग से निकाले,
क्योंकि जब तक यह सब खत्म नहीं होगा वह एंजेला से शादी नहीं कर पाएगा। रात को वह पादरी इग्नाजियो के घर खाना खाने आता है। वह एंजेला की कुकिंग की तारीफ करता है और बच्चों को समझाता है ऐसा खाना बनाने वाली औरत को क्या वह अपनी माँ बनते स्वीकार नहीं करेंगे। एंटोनियो को एंजेला के माँ बनने पर कोई एतराज नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम नीनो का होता है। वह बताता है कि माँ सपने में आना बंद करेगी तो उसे एंजेला और उसके डैडी की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर वह वहाँ भी टेबल के नीचे अपनी ठरकी हरकतें शुरू करता है और एंजेला से हाथ की सफाई चालू करता है। एंजेला उसे सबके सामने रोक नहीं पाती। इग्नाजियो अब नीनो को खुश करने के लिए उसे साइकिल खरीद के देता है, जिसे लेके वह स्टीफेनो के घर जाता है, जहाँ उसकी ठरकी सिस्टर लूसी साइकिल सीखने के बहाने नीनो से फ्लर्ट करती है। यहाँ नीनो शादी को स्वीकार नहीं कर रहा। यह देख के एंजेला नीनो को प्रॉमिस करती है कि वह उसकी विश पूरी करेगी, वह अंड्रेस होगी। दूसरे दिन नीनो किचन में जाके एंजेला से कहता है कि वह अपना प्रॉमिस पूरा करे। नीनो पूरी तैयारी में रहता है कि तभी स्टीफेनो वहाँ आता है। वह उसे भी पीप शो दिखाना चाहता है क्योंकि उसने उसके सिस्टर का पीप शो उसे दिखाया था। दोनों खिड़की के पीछे छुपके एंजेला का पीप शो देखते हैं। एंजेला को पता चलता है कि नीनो अपने दोस्त को साथ लेके आया है। पहले तो वह हिचकिचाती है, मगर वह यह मैटर खत्म करना चाहती है, इसलिए अंड्रेस होती है। मगर इस पीप शो से भी नीनो के दिल को ठंडक नहीं पहुंचती। जो आग उसके बदन में लगी थी वह ऐसे पीप शो से बुझने वाली नहीं थी। रात को इग्नाजियो और एंजेला टीवी देखते हुए नयन मटक्का करते रहते हैं। जो पीछे बैठा नीनो देखता है, उसे वह सब पसंद नहीं आता। वह उठ के चला जाता है। मगर बाद में जब एंजेला अपनी रूम में आती है तो वह उसे अपने रूम में देख के शौक होती है। वह उसे कहती है कि अगर वह उसके रूम से चला नहीं गया तो वह इग्नाजियो को बुलाएगी। नीनो उसे बोलता है कि अगर वह डैडी को बुलाएगी तो वह डैडी को उसके पीप शो के बारे में बताएगा, जिससे एंजेला डरती है। अब नीनो अपनी ठरकी हरकतें शुरू करता है और एंजेला को छूने लगता है। एंजेला समझ जाती है कि उसे क्या चाहिए। दूसरे दिन सुबह एंजेला इग्नाजियो को उठाने उसके कमरे में जाती है। उसे देख के इग्नाजियो अपना संयम खो बैठता है और एंजेला पे झपट पड़ता है। उसकी इस हरकत को देख के एंजेला भी शॉक हो जाती है। वो कैसे वैसे उसके चुंगुल से खुद को छुड़ाती है। यह सब दरवाजे के पीछे खड़ा नीनो देख रहा होता है। एंजेला इग्नाजियो पे गुस्सा तो होती है, मगर उससे शादी करने का मौका गंवाना नहीं चाहती, इसलिए वह उसे माफ कर देती है। इग्नाजियो अब शादी की तैयारियां शुरू करता है। वह एंजेला से शादी करने के लिए इतना बेचैन हो गया है कि वह आखिरी बार उसकी माँ से पूछने के लिए गांव चला जाता है। यहाँ एंजेला घर में तीनों बच्चों के साथ होती है। इग्नाजियो वहाँ से एंजेला को फोन करके उसे खुशखबरी देता है कि उसकी माँ ने उन दोनों की शादी के लिए हाँ कर दी है। रात को वेदर खराब हो जाता है। खाना खाने के बाद एंटोनियो अपनी आइटम से मिलने बाहर चला जाता है तो छोटा इंजी अपनी रूम में सो जाता है। अब एंजेला और नीनो दोनों ही रह जाते हैं। एंजेला जानती है कि नीनो उसके लिए पागल हुआ है। तभी अचानक लाइट चली जाती है। एंजेला अंधेरे से घबराती है। वह नीनो को कैंडल लाने बोलती है, मगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तभी अचानक नीनो बड़ी टॉर्च लेके वहाँ आता है और टॉर्च लाइट एंजेला की आंखों में मार के उसे टॉर्चर करने लगता है। एंजेला को कुछ दिखाई नहीं देता। नीनो उसे अंड्रेस होने को बोलता है। एंजेला धीरे धीरे अंड्रेस होती है। अब वह घर में यहाँ वहाँ भागने लगती है। नीनो टॉर्च लेके उसके पीछे भागने लगता है। एंजेला यहाँ वहाँ चुपने लगती है। आखिर में वो मौका देख के नीनो के हाथ से टॉर्च छीन लेती है और अब वह नीनो को टॉर्चर करने लगती है। एंजेला जान चुकी है कि नीनो की प्यास ऐसे नहीं बुझेगी। अगर नीनो को पूरा ठंडा करना है तो उसे वह देना होगा जिसकी उसे तमन्ना है। एंजेला नीनो को नीचे गिराती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। वह उसकी आग बुझाती है। नीनो को अब पूरी तरह से संतुष्टि मिलती है। दूसरे दिन इग्नाजियो घर पे लौट आता है। अब नीनो भी उसकी शादी के लिए परमिशन देता है। उसकी बातें सुनकर इग्नाजियो बहुत खुश होता है। शादी का दिन आता है। नीनो ब्राइड का यानी एंजेला का बेस्ट मैन बनता है और उसका हाथ पकड़ के उसे चर्च लेके आता है। इग्नाजियो और एंजेला की शादी हो जाती है। चर्च के बाहर आने के बाद नीनो एंजेला को गले मिलता है और उसे कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन मम्मी, मगर उसकी आंखों की चमक कुछ और ही कह रही होती है। मूवी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको ऐसी कॉमेडी फिल्में पसंद है तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, इससे हमारा हौसला और बढ़ेगा। तो जल्द मिलेंगे नई मूवी के साथ।